आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन वो शायद एक कहावत को भूल गए कि दिया तले अंधेरा, जो कि इस वक्त बिहार की राजनीति में हो रहा है। नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने में इस कदर मग्न हो गए कि उनके गठबंधन के साथी ही उनका दामन छोड़ रहे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार करने का भी ऐलान कर दिया है। 16 जून को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि कैबिनेट विस्तार के सवाल पर डिप्टी सीएम बचते हुए नजर आए। ये सारा अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी को है, हमको थोड़ी ना है। अरे भाई आप बेचैन हैं, लेकिन जो बाकी में जो बात है ये कब होगा नहीं होगा ये तो मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है, है ना? जब होगा तो पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर बेटे के इस्तीफे के बाद पहली बार हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय या तो हाफ मेजॉरिटी इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था, और जनता हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको जाले दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं जाना है। इस बीच हमने आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी उन पर दबाव बना रही थी कि वे अपनी पार्टी को विलय कर ले। विलय करने की बात है, अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते। बता दें, कयास लगाए जा रहे हैं कि संतोष मांझी की जगह रत्नेश साधा उनका पद संभाल सकते हैं। संतोष मांझी नीतीश सरकार में एससी एसटी कल्याण मंत्री का पद संभाल रहे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या रत्नेश को भी यही मंत्रालय दिया जाएगा।